बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्यारा किचन में वेलकम। चलिए जी, आज हम बनाएंगे मोरम पेशल खिचड़ा। तो मोरम पेशल खिचड़ा बनाने के लिए कुछ हम पेशल मसाले लेंगे खिचड़े के लिए। तो यहाँ पे देखिए, 1 टेबलस्पून मैंने ली हूँ साबुत धनिया, और 1 टीस्पून ली हूँ सौंफ, और 1/2 चम्मच ली हूँ मैंने साजीरा। साजीरा ना हो तो चलेगा, उसके बगैर भी मस्त बनेगा, एकदम मज़ेदार। 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद वाला ज़ीरा ले ली हूँ। यहाँ पे 5-6 है तो हरी इलायची ले ली हूँ। 4-5 लौंगों को ले ली हूँ, 4 लौंगों को ले ली हूँ। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून है तो काली मिरी ले ली हूँ। 1 बादियान का फूल ले ली हूँ। 2 है तो काली मोटी इलायची ली हूँ। 1/2 टुकड़ा, देखिए आधे से भी आधा, बहुत थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा है, ये जायफल का ले ली हूँ। और 1 जावित्री का टुकड़ा ले ली हूँ। और यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी से 2 दालचीनी का टुकड़ा ले ली हूँ। अब ये खुशबू वाले मसाले हो गए खिचड़े के, इनको हम यहाँ पे पीस लेंगे। तब तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दे। तो चलते जी, इनको मिक्सी के जार में डालते हैं और इनको पीस लेते हैं हम। अच्छा सा इनका एक पाउडर बना लेंगे, और ये सब बहुत टेस्टी से मसाले होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हमने पहले भी खिचड़े की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वो भी देखिए हमने वो किस तरीके से बनाया है। अब यहाँ पे इनको मैं पीस लेती हूँ, इनका अच्छा सा पाउडर बना लेती हूँ। देखिए जी, मसाला है तो हमने पीस लिए है, खुशबूदार, वाकई में बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है, माशाल्लाह। ये देखिए, ये खिचड़े की है तो जान बढ़ा देगी, ये इतनी खुशबूदार मसाले। तो ये प्लेट में डाल लेते हैं हम। बताते हैं अभी हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। आप इसको भरनी में डाल के भी रख सकते हैं, आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खिचड़े के अलावा आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं इसमें आप डाल सकते हैं, ये बहुत खुशबू वाले मसाले होते हैं। चलते जी, यहाँ देखिए गोश्त हमने लिए है 1.5 किलो, 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए, हमने सीने के तरफ का भी लिया है, चाप भी लिया हुआ है, गोश्त भी लिया हुआ है, थोड़ी सी चिकनाई भी लिए हुए है, ताकि ये खिचड़े में बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। तो चलिए जी, इसको मैंने पहले ही धो के छन्नी में रख ली थी, अब इसमें कुकर में इसको लगा देते हैं हम। तो कुकर में डाल देती इसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यकीन मानिए, बहुत मज़े का टेस्टी सा बनता है, एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए। हमारे तरीके से बनाना, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। गोश्त कुकर में डाल दिए, यहाँ पे 2 चम्मच हम लेंगे अदरक का पेस्ट, या घर का पिसा हुआ है। इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाइए इसे देखिए, हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट किस तरीके से बनाए हुए। और जितना हमने अदरक लिया है उतना ही हम लहसुन का पेस्ट ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी 2 चम्मच लिए अदरक का तो 2 चम्मच ही हम लहसुन का भी ले लेंगे। चलते जी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं टमाटे ली हूँ, 2 टमाटे हैं, मीडियम से थोड़े से बड़े हैं। और यहाँ पे थोड़ी से पुदीना और हरी धनिया लिए, बहुत अच्छी सी खुशबू आएंगी। गोश्त के साथ डाल के इसे पकाइए, उबालिए, और बहुत टेस्टी सा लगेगा। यहाँ पे 4-5 मैंने छोटी छोटी हरी मिर्ची ली हूँ, बाकी हम आगे डालेंगे मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे ले गए कुछ पाउडर मसाले में, यहाँ पे 2 चम्मच ली हूँ कश्मीरी मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच ली हूँ मैंने धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ली हूँ हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून ली हूँ ज़ीरा पाउडर, क्योंकि हमने ज़ीरा भी पीसे हुए है मसालों में। और यहाँ पे मटन के हिसाब का नमक ली हूँ, आगे ज़रूरत लगेगी और हम इसमें नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हमारा खुशबू वाला मसाला जो हमने पीसे है, अब ये मसाला इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच के करीब। थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे, देखिए थोड़ा सा तेल भी इसमें डाल देते हैं हम। और इसमें अभी थोड़ा पानी डाल देंगे, गोश्त को गलने के हिसाब का पानी ले लेंगे इसमें। रेसिपी अच्छी लग रही है, चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दें। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो एक बार इनको अच्छे से मिक्स दे देते हैं हम। चलते हैं, इनको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। पानी और थोड़ा सा हम इसमें ले लेते हैं। देखिए, गोश्त का भी अपना पानी होता है, उस हिसाब से ही लेंगे, ताकि ये कुकर के बाहर ना आए पानी। तो इसमें और थोड़ा सा मैं पानी ले लेती हूँ, कम से कम हमने
1 लीटर के करीब पानी इसमें शामिल कर दिए हैं और मिक्स करके इसको अभी मैं ढक्कन ढक के इसे एक सीटी फुल आंच पे ले लूँगी। फिर धीमी आंच पे इनको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, यानी गोश्त को हमें यहाँ पे पूरा ही गला लेना है। तो चलते ही इनको ढक्कन ढक लेते हैं और इनको फुल आंच पे रखेंगे, एक सीटी इनकी ले लेंगे। इसके बाद धीमी आंच पे 15-20-25 मिनट जितना भी लगता है लगा लेंगे, गोश्त गलना चाहिए। जी गोश्त का कुकर रख दिए गैस पे, तो अब यहाँ पे दालों को देख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी ली हूँ मांस की दाल, इससे थोड़ा लसलसा सा आता है पन इसमें खिचड़े में तो अच्छा लगता है। एक मुट्ठी ली हूँ और एक मुट्ठी ही मैंने मूंग दाल ली हूँ और एक मुट्ठी ही मैंने लाल मलका ली हूँ मसूर की दाल। और यहाँ पे 2 मुट्ठी है तो चना दाल ली हूँ मैंने, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी हूँ। और यहाँ पे 1 मुट्ठी ही है मैंने तुअर दाल ली हूँ। अब इनको मैं डाल देती हूँ पानी में, इनको अच्छे से दो तीन पानी से धो लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से इनको मल मल के धोएंगे 2 या 3 पानी से, जब तक का ये साफ ना हो धो लेंगे अच्छे से। चलते जी दालों को धो लिए हैं। आप चाहिए तो इसे आधा घंटा पहले भिगो के रखेंगे तो और भी जल्दी से ये गल जाएगी, लेकिन मैं अभी इसको भिगाई नहीं हूँ। चलते जी कुकर में दाल डाल दिए, वैसे भी ये दालें हैं तो जल्दी से गल जाती है, इनको नहीं भी भिगाए तो चलता है, खाली चने की दाल थोड़ा वक्त लेती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 कप रात को लोबिया भिगोने डाली थी, तो ये देखिए 1/2 कप से ज़्यादा, एक कप के करीब हो चुका है, फूल के डबल हो चुकी है। तो ये डाल देंगे इसमें, खिचड़े में बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। तो ये पानी अच्छा है, मैंने अभी धो के इसमें पानी चेंज करी हूँ, साफ पानी है ये, पानी के समत इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने खिचड़े का घेव ली हूँ, इसे भी मैंने रात को भिगो के रखी थी, तो ये देखिए फूल गए अच्छी तरह से। और इनको भी मैंने बहुत अच्छे से धो के पानी चेंज कर दी हूँ, साफ पानी है ये, इसमें डाल देते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी खिचड़ा बनने वाला है। रेसिपी को पूरा एंड तक देखना, तब आप इस तरीके से बना पाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपका भी खिचड़ा बहुत मज़ेदार बनेगा। तो अब इसमें थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे, तो इसके पहले हम तो इसमें एक टमाटर डाल देते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा टमाटो से। आप 1 के बजाय 2 भी ले सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो ना भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आधी प्याज ले लेती हूँ मैं, बाकी का हम आगे देख लेंगे प्याज। और ये जो हमने खुशबू वाले मसाले पीस के रखे थे ये इसमें लेते हैं हम 1/2 चम्मच के करीब, दालों में भी अच्छी सी खुशबू आएंगी। अब इसमें पानी लेते हैं हम, 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे, 1 से ज़्यादा ही डालेंगे, 1.5 लीटर पानी इसमें ले लेते हैं। नमक ले लेंगे, इसमें नमक डालते हैं। अच्छे कलर के लिए हम इसमें हल्दी ले लेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें तेल डाल देते हैं, बस थोड़ा ही डालेंगे ताकि ये उबल के नीचे ना गिरे। यहाँ पे 4-5 हरी मिर्ची डाल देंगे ताकि दाल है तो हमारी फिक्की फिक्की सी ना लगे, थोड़ा सा इसमें तीखापन आए। और एक बार इसे अच्छे से मिक्स दे देते हैं। थोड़ी से कोतमीर और पुदीना लेंगे ताकि दालों में भी बहुत अच्छा सा इसमें पुदीने की और कोतमीर की खुशबू आ जाए और टेस्ट आ जाए अच्छे से। अब यहाँ पे इनको कवर कर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए जी ढक्कन लग गया। अब इनको क्या करेंगे, हम गैस पे रखेंगे, 1 सीटी फुल पे ले लेंगे और धीमी आंच पे इसको 10 से 15 मिनट लगा लेंगे ताकि हमारा गेहूँ दाल है सब गलना चाहिए। चलते जी यहाँ पे हमने एक पतीला रख लिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे 1/2 करीब से, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तेल और तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए हम 3-4 तेज़पत्ते ले लेते हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा ये इसमें डालेंगे, चटकने देंगे थोड़ा सा इनको। देखिए मसाले चटक रहे, तो यहाँ पे मैंने 1.5 प्याज ली हूँ, ये इसमें डाल देती हूँ मीडियम साइज के थे। और यहाँ पे इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, देखिए फ्राई कर लेंगे प्याज को बहुत अच्छे से। देखिए जी प्याज में हल्का हल्का सा कलर आ चुका है ना, तो यहाँ पे हम 10-12 हरी मिर्चों को लेके पीस लिए, थोड़ा सा पानी डाल के ये इसमें डालेंगे। तीखा आप आपके टेस्ट के हिसाब से लेना, तेल मिर्ची नमक। और यहाँ पे इनको भून लेंगे मिर्ची का पेस्ट अच्छे से मसालों में।
इन्हीं के साथ में आप थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम पहले गोश्त में डाले थे लेकिन थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से नमक इसमें लेंगे। और यहाँ पे 1 टीस्पून हम लेंगे तीखी वाली मिर्ची का पाउडर। और यहाँ पे एक बार अच्छे से इनको नमक को भी मिर्ची को भी इसी में हरी मिर्ची के साथ में भून लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप खिचड़ा बनाइए घर में, घर वाले बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और आपको भी बड़ी खुशी होती है कि इतना अच्छा घर में बना लिए है। देखिए हम भटियारे से मंगाते हैं तो ये चीज़ हम घर में भी बना सकते हैं। हम लेडीज़ हर चीज़ घर में अच्छे से अच्छी बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए। वीडियो को पूरा लाजमी देखिए, आखिर तक देखना रहे वीडियो को, आगे शेयर भी किया करें। रेसिपी अच्छी लग रही तो आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती, हमें हमारी मेहनत का पता चल जाता है कि आप हमारी मेहनत को हमारी रेसिपी को पसंद करते हो। चलते जी ये गोश्त देखिए कितना मज़े का हमारा पक गया है। बस थोड़ी सी कसर बाकी है तो यहाँ मसाले में हम इसे भुनते हुए में पका लेंगे। और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, मैं क्या ही बोलूँ आपको। आप बनाएंगे इस तरीके से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार इनको मिक्स दे देते अच्छी तरह से। देखिए इनका कलर कितना अच्छा सा आया है, जो हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाले हैं। तो इनको अभी थोड़ा देर पका लेंगे हम अच्छे से, ढक्कन ढक देंगे इस पर। यहाँ पे इनको कवर कर देते हैं थोड़े देर के लिए। एक बार इनको खोल के देखते जी, 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, 5-6 मिनट हो चुके हैं। फुल आँच पे छोड़ी थी, माशाल्लाह से खुशबू तो पूरे घर में महक गई है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने मसाले खुशबू वाले पीसे थे वो 1/2 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे हम। और यहाँ पे एक बार मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से खुशबू से तो पूरा घर मेरा महक गया, मैं क्या ही बोलूँ आपको। एक बार इसे अच्छे से चला ले। और इसको अभी धीमी आँच पे छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमारी दाल है तो वहाँ पे पक रही है और गोश्त भी थोड़ा मोड़ा कसर है तो गोश्त भी यहाँ पे गल जाएंगे। तो अभी बस यहाँ पे ढक्कन ढक के मैं इसे धीमी आँच पे 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ढक्कन ढक देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। चलते जी देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है। ये देखिए थोड़ा इस तरीके से दरदरासापन रहना चाहिए। इस तरीके से दरदरापन थोड़ा रहेगा ना तो खिचड़ा खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए इनको एक बार फिर भी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने खिचड़े में 250 ग्राम गेहूँ ली थी, मैंने आपको बताना भूल गई थी। यहाँ पे देखिए यह हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया। देखिए ये कोरमे का कलर कितना मस्त और मज़ेदार, और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए। तो चलिए अब ये जो दाल है ये इसमें हम पलटा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इनको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए ये खिचड़ा कितना देखने में ही मज़ेदार दिख रहा है ना, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। देख सकते हैं आप इसके लुक से, इसके कलर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मज़े का ये बना हुआ है। तो इस तरीके से बनाना आप। और हमारी चैनल पे पहले भी हमने डाले हैं खिचड़े की रेसिपी, वो भी आप इसको देख सकते हो वहाँ पे कि वो खिचड़ा हमने किस तरीके से बनाए। और ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ बनाई हूँ मैंने। तो चले कुकर में दाल थी ना तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ले ली हूँ और ये इसमें डाल देती हूँ, ज़ाया नहीं करनी है कोई भी चीज़। अब यहाँ पे चलते फिर से गैस के तरफ हम। देखिए जी इनको गैस पे हमने चढ़ा दिए हैं, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने देंगे। देखिए हमारी दाल भी पकी हुई है और हमारा गोश्त भी अच्छे से गला हुआ है, मसाला भी अच्छे से पूरा पक चुका है। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ बस हम एक उबाल आने देंगे इनको और 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। क्योंकि इसमें जितना भी हमने तेल डाला हुआ है और जो भी इस जो चर्बी वाला भी गोश्त है इसमें, तो इसका भी घी तेल जो भी है वो छुट्टा है ना, तो ये सारा का सारा धीमी आँच पर रखेंगे 5-10 मिनट के लिए, तो ये सारा ऊपर आ जाएगा। तो पहले इसके पहले एक उबाल अच्छे से ले लेते हैं हम। यहाँ पे इनको 10 मिनट हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा से गोश्त के तरी मैंने गोश्त के ऊपर से निकाल ली थी, ये मैं इसमें डालने के डाली इसके ऊपर, वो सीन मेरे से स्किप हो चुका है। तो चले जी अभी यहाँ पे एक बार मिक्स करते इनको अच्छे से।
और गैस को बंद कर देंगे। यहाँ हमारा खिचड़ा बन के तैयार है। देख रहे हैं, सब लोबिया भी गल गई है हमारी, गोश्त भी गल चुका है, दालें भी गल गई है। तो अब गैस को बंद कर देती हूँ मैं और आपको प्लेट में निकाल के बताती हूँ। चलते जी, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाह, देखिए खिचड़ा हमारा तैयार है। कितना ज़बरदस्त टेस्टी सा खिचड़ा है, देखिए आप देख के से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी से फ्राई वाली प्याज। इस तरीके से घर में बच्चों को बड़ों को आप दे, कितने खुश हो जाएंगे बच्चे बड़े खा के। और इस पे हम थोड़ी से हरी धनिया डाल देंगे, अच्छे से इसकी गार्निशिंग करेंगे देखिए। और थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ लेंगे हम इस पे, है ना, मज़े का टेस्टी सा हमारा खिचड़ा। तो ये मोरम पेशल रेसिपी है, आप ज़रूर इस तरीके से इसे बनाना। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए जी, आपका बहुत सा ख्याल रखना, हमें भी दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।